तो दोस्तों आज मैं आपको 2017 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हु इज वॉचिंग ऑलिवर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हम ऑलिवर को देखते हैं जो एक दूसरे शहर में घूमने के लिए आया होता है। ऑलिवर आधी रात में अपनी माँ से वीडियो कॉल में बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी तक कोई भी लड़की पसंद आई या नहीं, जिस पर ऑलिवर कहता है कि उसे अभी तक कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी। अब अगले दिन ऑलिवर नहा धोकर तैयार होता है और एक बच्चे की तरह कपड़े पहनकर गले में कैमरा लटकाकर बाहर निकलता है। ऑलिवर एक पार्क में जाता है और लड़कियों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसके कारण ऑलिवर एक बेंच में बैठ जाता है और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। ऑलिवर रात को एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आती है और ऑलिवर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसके स्टूपिड से गेटअप को देखकर उसे बिल्कुल भाव नहीं देती, जिसके कारण ऑलिवर कहता है कि उसके रूम में नशा करने की बहुत सी चीजें हैं, जिसे सुनकर वह लड़की ऑलिवर के साथ उसके रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों ऑलिवर के रूम में आ जाते हैं, जहां पर ऑलिवर उसे नशा करने की चीजें देता है और वह लड़की नशा करने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ ऑलिवर अपना लैपटॉप चालू कर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। ऑलिवर अपनी माँ को उस लड़की का चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ उस लड़की को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और ऑलिवर से उस लड़की को मारने के लिए कहती है। ऑलिवर ने उसे हाई डोज वाला नशा दिया होता है, जिसके कारण वह लड़की बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑलिवर ने उस लड़की को टेबल पर बांध कर रखा था, जिसके बाद उसकी माँ ऑलिवर से उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर उसे मार देने के लिए कहती है। ऑलिवर ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के कारण उस लड़की का गला काट कर उसे मार देता है। असल में ऑलिवर की माँ एक साइको होती है और वह अपने बेटे को भी खून करने के लिए फोर्स करती है। ऑलिवर को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी माँ की वजह से वह भी एक साइको बन गया था और बहुत पहले से ही वह लड़कियों को मारता आ रहा था, जिसके बाद ऑलिवर उस लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे एक बैग में भरकर बाहर ले जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स को एसिड में डालकर नष्ट कर देता है। अब अगले दिन ऑलिवर नया शिकार ढूंढने उसी पार्क में चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक लड़की से होती है। सोफिया बहुत ही प्यारी होती है और वह ऑलिवर के लुक को देखकर उसे अच्छा समझती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑलिवर न जाने क्यों बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उसी रात को ऑलिवर अपनी माँ से वीडियो कॉल में बात करता है और दवाइयाँ खाकर सो जाता है। अगले दिन हम ऑलिवर के ड्राइंग को देखते हैं, जिसमें वह अपने मॉम डैड को एक मॉन्स्टर की तरह दिखाता है। ऑलिवर के डैड उसकी माँ से भी ज्यादा बुरे होते हैं और एक दिन उन्होंने ऑलिवर को बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है, जिसके कारण ऑलिवर की माँ ने उसके सामने ही उसके डैड को जान से मार दिया था, जिसके बाद से ऑलिवर अपनी माँ के साथ ही रहने लगा और वो जो भी कहती ऑलिवर को उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ता था। दोपहर को ऑलिवर उसी पार्क में जाता है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। सोफिया और ऑलिवर बात करने लगते हैं और यहाँ पर सोफिया ऑलिवर को पसंद करने लगी थी और दोनों में काफी देर तक बातें होती है, जिसके बाद से यह दोनों रोज मिला करते हैं। ऑलिवर भी सोफिया को पसंद करने लगता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि वह सोफिया के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता है। अब ऑलिवर डिसाइड करता है कि वह अपनी माँ को सोफिया के बारे में सब कुछ बता देगा और अब से वह कोई बुरे काम भी नहीं करेगा, जिसके बाद ऑलिवर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और उनसे हिम्मत करके कहता है कि वह आज के बाद से किसी भी लड़की को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे सोफिया नाम की लड़की से प्यार हो गया है और वह उसके लिए सारे बुरे काम छोड़ना चाहता है। ये सब सुनकर ऑलिवर की माँ पागल सी हो जाती है और ऑलिवर पर चिल्लाने लगती है और उस पर प्रेशर डालकर सोफिया को मार देने के लिए कहती है, लेकिन ऑलिवर सोफिया को नहीं मार सकता था क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करने लगा था। ऑलिवर अपनी माँ से बहुत डरता था, जिसके कारण वह एक अनजान लड़की को नशे का लालच देकर अपने रूम में ले आता है। उसकी माँ ने सोफिया को नहीं देखा था, जिसके कारण ऑलिवर उस लड़की को टेबल से बांध देता है और ऐसे सोफिया अपनी माँ से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद ऑलिवर की माँ उस लड़की को जान से मारने के लिए कहती है और ऑलिवर भी उस लड़की को अपनी माँ के सामने मार देता है। अगले दिन ऑलिवर सोफिया से मिलता है, जहाँ पर सोफिया ऑलिवर को एक कहानी सुनाती है
है। यहाँ पर सोफिया इनडायरेक्टली अपने ही बारे में बता रही होती है। सोफिया बताती है कि उसकी एक दोस्त है जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, तब से एक कल्ट एक ग्रुप ने उसे पाला था, लेकिन उस कल्ट में बहुत ही बुरे लोग थे जो उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, जिसके कारण वह उस कल्ट को छोड़ना चाहती थी और काफी मुश्किलों के बाद वह उस कल्ट को छोड़कर इस शहर में आ गई। दरअसल सोफिया अपने ही बारे में बता रही थी कि वह किस तरह उस कल्ट से छुटकारा पाकर इस शहर में आई और ओलिवर से मिली। ओलिवर ये सब सुनकर सोचने लगता है कि वह अपनी माँ के दबाव में गलत चीजें कर रहा है और उसे यह सब काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक तरफ सोफिया जो अनजाने में ओलिवर को सही रास्ते में लाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उस पर दबाव डालकर खून करने के लिए कहती है। ओलिवर अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरता था, जिसके कारण वह एक दिन किसी लड़की को अपने रूम में लाता है और फिर से अपनी माँ के कहने पर उस लड़की को जान से मार देता है। लेकिन इस बार सोफिया जो ओलिवर का पीछा कर रही थी, वह सब कुछ देख लेती है और जान जाती है कि ओलिवर कोई सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। ओलिवर काफी परेशान होता है और अगले दिन वह सोफिया से मिलता है, जहाँ पर सोफिया ओलिवर से कहती है कि उसने पिछली रात को सब कुछ देख लिया है और वह जानती है कि तुम लोगों को मारते हो। लेकिन सोफिया ओलिवर से बिल्कुल नाराज नहीं होती बल्कि उसे बुरे काम छोड़ देने को कहती है। सोफिया बताती है कि वह भी एक बुरे कल्ट में रह चुकी है और उसने जिस तरह कल्ट को छोड़ा है, वह भी अपने बुरे काम छोड़ अपनी जिंदगी जी सकता है, और साथ ही उसे उसकी माँ से बात करने के लिए मना करती है, जिसके बाद वह दोनों आधी रात एक साथ बिताते हैं और ओलिवर काफी खुश दिखाई देता है और अपनी माँ से बिना बात किए ही सो जाता है। दूसरे दिन ओलिवर पार्क में जाता है और सोफिया का वेट करने लगता है, लेकिन सोफिया उस दिन नहीं आती। इसी तरह ओलिवर रोज पार्क में जाता है, लेकिन कई दिनों तक सोफिया उससे मिलने नहीं आती, जिसके कारण ओलिवर दुखी हो जाता है और अपनी मॉम को कॉल कर देता है, जिस पर उसकी साइको माँ कहती है कि वह लड़की सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए आई थी और अब से तुम अपने काम में वापस लग जाओ, जिसके कारण ओलिवर फ्रस्ट्रेट होकर फिर से लड़कियों को मारने लगता है। ओलिवर जहाँ अच्छा इंसान बनना चाहता था, सोफिया के जाते ही बुरे काम करने लगता है। लेकिन एक रात अचानक सोफिया उसके घर में आ जाती है और उसे बताती है कि कुछ दिन पहले जब वह घर गई तो वहाँ पर उसकी कल्ट फैमिली आ गई और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। उसे कल्ट ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन वह किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर यहाँ आ गई। ये सब सुनकर ओलिवर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ओलिवर की माँ कहती है कि तुम सोफिया को अभी मार दो, यह तुम्हें फिर से धोखा देगी। लेकिन इस बार ओलिवर उसकी माँ की बात नहीं सुनता और वह लैपटॉप को बंद कर देता है, जिसके बाद ओलिवर सोफिया को किस करने लगता है और कहता है कि वह सारे बुरे काम छोड़ देगा। इस तरह यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हम देखते हैं कि ओलिवर एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो मजे के लिए लोगों को मारा करते हैं। ओलिवर को बचपन से ही हैरेसमेंट किया गया था, जिसके कारण वह मेंटली अनस्टेबल हो गया था। ओलिवर के डैड को उसकी माँ ने उसी के सामने ही बुरी तरह से मारा था, जिसे देखकर ओलिवर अपनी माँ से डरने लगा था और अपनी माँ के दबाव में आकर ओलिवर लड़कियों को मारा करता था। ओलिवर को यह काम पसंद नहीं था और वह बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। तभी एक दिन उसकी जिंदगी में सोफिया आती है, जो उसे बुरे काम छोड़कर अच्छाई के रास्ते में चलने को कहती है। सोफिया ओलिवर को उसकी माँ से बात करने के लिए रोकती है, ताकि उसकी माँ उसका दिमाग डाइवर्ट ना कर सके और ओलिवर को किसी लड़की का खून ना करना पड़े, और इसी तरह ओलिवर आखिरकार सुधर जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।